17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले ही दिन नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान भी बखेड़ा देखने को मिल गया। दरअसल विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा संसद सत्र के पहले ही दिन सदन का अनुशासन तोड़ते हुए नया विवाद पैदा कर रही थी। पहली बार सांसद चुनी गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब शपथ लेने पहुंची तो उन्होंने अपने नाम के पीछे स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी जोड़कर शपथ लेना शुरू किया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने नियम कायदों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई। साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव में उम्मीदवारी के वक्त हलफनामे में अपने पिता का नाम सीपी सिंह दर्ज कराया है, लेकिन उन्होंने शपथ लेते वक्त पिता के नाम की जगह अवधेशानंद गिरी का नाम बोला, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज नहीं है। नियमों की माने तो नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त हलफनामे में जो नाम दर्ज कराया जाता है सांसद उसी नाम से शपथ ले सकते हैं। फिर भी सांसद अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा ने जो नाम लिया वो उनके हलफनामे में दर्ज नहीं था। ये बात हंगामे की वजह बन गई। विपक्षी सांसदों की आपत्ति थी कि प्रज्ञा जो नाम ले रही हैं वो रिकॉर्ड से बाहर है। लोकसभा की महासचिव ने भी कहा कि अब आप संविधान या ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकती हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर प्रोटेम स्पीकर ने साफ कर दिया कि जो नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा उसी से शपथ ग्रहण की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की आपत्ति के बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन में रिकॉर्ड चेक करने की बात कही और उनका प्रमाण पत्र निकलवाया गया। प्रज्ञा ने फिर इसी नाम के साथ शपथ लेना शुरू किया तो उन्हें फिर रोक दिया गया। तीसरी बार में प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी शपथ पूरी कर सकी। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामे पर प्रज्ञा गुस्से में नजर आई और उन्होंने कहा कि कम से कम ईश्वर के नाम पर तो शपथ लेने दो। आखिर में प्रज्ञा ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपनी शपथ पूरी की। साफ है कि नई नई सांसद बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने संसद में अपनी पारी के पहले ही वाक्य में सत्य से परे बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना जो नाम बताया वो उनका असली नाम नहीं है, जो कि हलफनामे के मुताबिक है। यानी कि साफ तौर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहले ही दिन संसद में झूठ पकड़ा गया और बीजेपी नेता भी शर्म से पानी पानी हो गए। अब देखना है कि आने वाले संसद सत्रों में किस तरह से साध्वी प्रज्ञा आगे अपना कार्यभार संभालती हैं। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।